नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी केस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे अटकलों का बाजार जिस खबर से गर्म था उस पर कमलनाथ ने सफाई दी है। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर पहली बार सफाई कमलनाथ ने दी है। उन्होंने कहा कि आप ही कह रहे हो, मैंने कभी नहीं कहा, आप ही अटकलें लगाते हो फिर पूछते हो। तो ये बड़ी बातें कमलनाथ के द्वारा कही गई है। लगातार आपने देखा था कि एक महीने तक अटकलों का बाजार गर्म रहा। बार बार ये सामने आ रहा था कि कमलनाथ नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अगर कमलनाथ नहीं हुए तो नकुलनाथ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य की चिंता कमलनाथ को अपने बेटे की सता रही है और इसी वजह से जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आला कमान की तरफ से जो जगह या जो जगह मिलनी थी कमलनाथ को वो नहीं मिल पाई। नाराजगी, लंबे वक्त से नाराजगी की बातों को लेकर भी अटकलें चल रही थी और लग रहा था बीजेपी में शामिल होंगे। उस पर ही जवाब उन्होंने दिया है, बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए सुनते हैं। और तो कोई क्या नहीं रहा, तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग ही चलाते हो और तुम मेरे से पूछते हो? तुम लोग चलाना बंद करो। आप सबसे पहले खंडन की सबसे पहले खंडन आप लोग करिए।